सबसे पहले समझते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या है। कई लोग बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि इसे ब्लड प्रेशर है। तो ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है। ब्लड प्रेशर हर व्यक्ति के शरीर में होती है और ब्लड प्रेशर के बिना जो ब्लड सप्लाई होना संभव ही नहीं है। ब्लड प्रेशर जो सामान्य ब्लड प्रेशर है वो सभी व्यक्ति में होना ज़रूरी है, नहीं तो उसके बिना जो हमारे बॉडी में जो ब्लड सप्लाई होती है, हार्ट पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करती है, तो बिना ब्लड प्रेशर के हो ही नहीं सकता। यदि किसी व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर है वो सामान्य से अधिक हो जाए तो उसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं या हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन क्या है, आइए इसे एक एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं। जैसे मोटर पंप से पाइप द्वारा कहीं पर पानी सप्लाई हम कर रहे हैं, कहीं पर पानी दे रहे हैं, तो यदि पाइप पर कहीं पर कचरा आ जाए तो उसका जो तनाव है, जो टेंशन है, वो बढ़ जाता है। तो सेम वैसे ही हमारे शरीर में भी जो हार्ट है वो एक मोटर पंप का काम करता है, और जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं जिसमें ब्लड बहता है, जिसे आर्टरी बोलते हैं, जिसके द्वारा पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है, तो उस आर्टरी में किसी प्रकार की रुकावट आने के कारण या जो आर्टरी के जो वेसल्स होते हैं उसके अंदरूनी दीवार में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जिसके कारण से उसका जो लचीलापन है वो कम हो जाता है, जिसके कारण से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। इसे ही हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन बोलते हैं। जानते हैं इसके टाइप्स के बारे में कि हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर कितने प्रकार का होता है। तो हाई ब्लड प्रेशर जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी यानी कि जो हमारी जीवन शैली कारकों या जेनेटिक कारणों या खान पान की वजह से जो होता है उसको हम प्राइमरी हाइपरटेंशन बोलते हैं, और सेकेंडरी हाइपरटेंशन उसे बोलते हैं जो हमारे शरीर में किसी अन्य बीमारी के कारण से हाइपरटेंशन उत्पन्न हो तो उसे सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। प्रेगनेंसी के वजह से भी हाइपरटेंशन होता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, उसको भी अपन सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। अब चलिए जानते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो हमारा जो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वह 120/80 होता है। हमारे शरीर में जो आर्टरी का जो ब्लड प्रेशर है वो दो प्रकार का होता है। एक वह अवस्था है जिसमें हार्ट पंप करता है, जिसे सिस्टोलिक बोलते हैं, और दूसरा वह अवस्था है जिसमें हार्ट रेस्ट करता है, उस अवस्था के प्रेशर को डायस्टोलिक बोलते हैं। तो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 होना चाहिए और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 होना चाहिए, इसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहते हैं। यदि सिस्टोलिक 120 से ऊपर हो, 139 तक हो, और डायस्टोलिक 80 से ऊपर हो और 89 तक हो, तो फिर इसको प्री हाइपरटेंसिव स्टेज बोलते हैं। यदि हमारा ब्लड प्रेशर 140/90 या उससे ऊपर हो तो उसको हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन बोलते हैं। यदि ब्लड प्रेशर 140 से 159 तक हो और जो डायस्टोलिक है वो 90 से 99 तक हो तो इसको हाइपरटेंशन स्टेज 1 बोलते हैं। यदि ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक जो है 160 से ऊपर हो और जो डायस्टोलिक है वो 100 से ऊपर हो तो फिर उसको हाइपरटेंशन का स्टेज 2 बोलते हैं, जो ज़्यादा खतरनाक होता है। अब आइए जानते हैं हाई ब्लड प्रेशर के कारण के बारे में। तो इसके जो कारण हैं उसमें जो पहला कारण है वो एज। यह अधिकतर 30 या 40 साल के ऊपर के व्यक्तियों को अधिक होने का खतरा रहता है। दूसरा है मोटापा। मोटे व्यक्तियों में
हाइपरटेंशन होने का खतरा ज़्यादा रहता है। अस्वस्थकर आहार या अनहेल्दी फूड, ऐसे लोग जो नमक, चीनी, मैदा, वसा वाले भोजन का उपयोग ज़्यादा करते हैं, उनको हाई ब्लड प्रेशर होने का खतरा अधिक रहता है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी या फिर जो शारीरिक श्रम या एक्सरसाइज की कमी वाले लोगों में ब्लड प्रेशर होने की संभावना अधिक होती है। ऐसे लोग जो एक जगह बैठे बैठे वाला काम करते हैं, कुर्सी में बैठे रहने वाला, फिजिकल वर्क कम रहता है, तो ऐसे लोगों को ब्लड प्रेशर होने की संभावना अधिक होती है। नेक्स्ट कारण है जेनेटिक कारण। अगर किसी व्यक्ति के परिवार में उनके पूर्वजों को हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन होने का इतिहास हो, तो उनको भी हाइपरटेंशन होने की संभावना अधिक रहती है। नेक्स्ट कारण है तंबाकू का सेवन। तंबाकू का सेवन चाहे वो किसी भी रूप में हो, कितनी भी मात्रा में हो, वो खतरनाक होता है। उससे भी हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन होने की संभावना अधिक होती है। अत्यधिक शराब का सेवन, ऐसे लोग जो अत्यधिक शराब का सेवन करते हैं, तो उनको भी ब्लड प्रेशर होने की संभावना अधिक होती है। ऐसे व्यक्ति जो अत्यधिक तनाव में रहते हैं, अत्यधिक चिंताग्रस्त रहते हैं, उनको भी हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के होने की संभावना अधिक होती है। अगर किसी को पुरानी बीमारी हो, जैसे किसी को थायराइड की बीमारी हो, किसी को शुगर की बीमारी हो, किसी को किडनी की बीमारी हो, तो ऐसे लोगों को भी हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की संभावना अधिक होती है। आइए जानते हैं हाइपरटेंशन के लक्षण के बारे में। तो हाइपरटेंशन के 80-90% मरीजों में किसी प्रकार का लक्षण नहीं होता, लेकिन उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, इसीलिए हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर भी कहते हैं। कई लोगों में जो उनका बीपी है 160-170 तक बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन उनको कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ता, इसीलिए लोग अधिकतर जो उसी अवस्था को सामान्य ब्लड प्रेशर समझने लगते हैं। लेकिन अगर इसका इलाज न कराया जाए तो आगे जाकर इसका कॉम्प्लिकेशन जो है बहुत ख़तरनाक हो सकता है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। कुछ मरीजों में जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं उसमें है सिर दर्द होना, चक्कर आना, थकान लगना, घबराहट लगना, बॉडी एक होना, चेस्ट पेन होना, धुंधलापन दिखाई देना, नाक से खून आना, तो ये सभी लक्षण हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के कंडीशन में दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा अलग अलग व्यक्तियों में कुछ अलग अलग लक्षण भी दिखाई पड़ सकते हैं। यदि ब्लड प्रेशर को समय पर नियंत्रित नहीं किया जाए, तो ऐसे व्यक्ति में अगर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो किडनी फेल्योर हो सकता है, लकवा हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है, आँखों की नस फटने के कारण से अंधापन भी हो सकता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण जो ब्लड को शरीर के अंगों तक पहुंचाने के लिए हार्ट को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, जिससे हार्ट का साइज बढ़ जाता है, जिसके कारण से हार्ट फेल्योर भी हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन से बचने के लिए क्या किया जाए या हाई ब्लड प्रेशर का रोकथाम कैसे किया जाए, इसके बारे में देखते हैं। यदि आपके परिवार में किसी को हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर का इतिहास हो, या आपकी उम्र 30 साल से अधिक हो, या आपको मोटापा हो, या थायराइड या शुगर की बीमारी हो, आप फिजिकल वर्क कम करते हैं, तो ऐसे में आपको कुछ सावधानी ज़रूर रखनी चाहिए जिससे आप हाइपरटेंशन से बच सकते हैं। जैसे कि साल में एक बार आप अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर जांच कराएं। यदि
आपको मोटापा है तो अपने वजन को कम करें। यदि आप तंबाकू का सेवन करते हैं तो तंबाकू का सेवन कम करें, शराब का सेवन कम करें। हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज ज़रूर करें, कम से कम डेली आधा घंटा। रोज़ एक्सरसाइज ना करें, नहीं तो उसको हमारा जो बॉडी है वो रूटीन वर्क समझ लेता है और एक्सरसाइज का फ़ायदा नहीं मिलता। तो अपने को 2 दिन छोड़कर एक्सरसाइज करना है, हफ्ते में 5 दिन। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हम तो डेली काम करते हैं या मजदूरी करते हैं या खेत में काम करते हैं तो हमको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं। तो जो हम डेली काम करते हैं उसे हमारा बॉडी है वो रूटीन वर्क समझ लेता है, तो उससे कोई विशेष लाभ नहीं होता। आप रूटीन वर्क के अलावा अलग से आधा घंटा कम से कम एक्सरसाइज करिए, रनिंग करिए, वॉकिंग करिए या कोई भी जो स्पोर्ट्स है वो खेलिए। चिंता ना करें, तनाव में न रहें। यदि आप अत्यधिक तनाव में रहते हैं या चिंताग्रस्त रहते हैं तो उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। ऐसे चीज़ जिसमें आपका ध्यान लगा रहे, जो चीज़ आपको पसंद हो, जैसे मूवी वगैरह देखना, किताब वगैरह पढ़ना, ये सब काम आप कर सकते हैं तनाव से दूर रहने के लिए। आइए जानते हैं हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर में कौन कौन सी दवाई दी जाती है। तो इसको समझने का एक तरीका है ABCD। ए से हैं ACE इनहिबिटर्स। ACE इनहिबिटर्स में इनालापिर, टेमिप्रिल इत्यादि दवाई आती है। उसके बाद है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स में एटेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल इत्यादि दवाई आती है। तीसरा है सी। सी से है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिसमें एम्लोडिपिन, निफेडिपिन इत्यादि दवाई आती है। चौथा है डी, यानी कि डायूरेटिक्स। इसमें इंडेपेमाइड, क्लोरोथलीडीन इत्यादि दवाई आती है। इसके अलावा एक और मेडिसिन है जो ARB यानी कि एंजियोटेंसन रिसेप्टर ब्लॉकर ग्रुप की मेडिसिन है, जो कि बहुत ही अच्छी प्रभावी मेडिसिन है, जिसका साइड इफ़ेक्ट भी कम है, जो अभी बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर के इलाज में चल रहा है। दवाइयों के साथ में लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करने की सलाह दी जाती है। आप फिजिकल वर्क कीजिए, शराब तंबाकू का सेवन कम कीजिए, अपने डाइट में नमक, चीनी, मैदा, वसा वाले चीज़ इत्यादि युक्त पदार्थों का सेवन कम कीजिए। अपने भोजन में हरी साग सब्जियां, फ्रूट्स, सलाद इत्यादि को अधिक मात्रा में शामिल कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।